नमस्कार साथियों, एक्टिव किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार, रीपर बाइंडर मैकेनिक। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गेहूं की वैज्ञानिक तरीका से खेती कैसे करें एवं इस तरह से खेती करने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो हम लोग गेहूं की खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का चयन करते हैं कि किस मिट्टी में गेहूँ का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। गेहूँ की उत्पादन सभी मिट्टी में होता है, परंतु दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। हम लोग मिट्टी के चयन करने के बाद उसकी पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले यंत्र से करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें हैरो डिस्क या देसी हल से इसकी जुताई करते हैं। उसके बाद हम लोग बीज का चयन करते हैं। कुछ उन्नत किस्म की बीज जो हैं गेहूँ के अच्छा उत्पादन देती हैं प्रति एकड़ के दर से, तो उनमें से हैं सबसे पहले 2967। 2967 एक ऐसी वेराइटी है जो लंबी किस्म की प्रजाति है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में भूसा एवं अनाज दोनों का उत्पादन मिलता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है 550। यह अगर आपकी भूमि थोड़ी कम उपजाऊ भी है तो वहाँ यह अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन यह बौने किस्म की प्रजाति है तो इसमें भूसा का आप लोगों का उत्पादन कम मिलेगा। उसके बाद जब हम लोग बीज का चयन कर लेते हैं तो हम सबसे पहले बीज को उपचारित करते हैं। किसान भाई, जब भी आप कोई भी फसल बोएं तो बीज को उपचारित करना ना भूलें। बीज को उपचारित करने के लिए आप लोग वेवेस्टीन या कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं। प्रति किलोग्राम बीज की दर के हिसाब से आप लोग 2.5 से 3 ग्राम तक कार्बेंडाजिम एवं वेवेस्टीन दोनों में से कोई एक चीज़ मिला सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद हम लोग इसकी बुआई करने के लिए ऑटोमेटिक सीड ड्रिल मशीन को लेते हैं। ऑटोमेटिक सीड ड्रिल एक ऐसी मशीन है जिससे कि आप लोग गेहूं, मक्का, जौ, चना, अरहर सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम लोग सीड ड्रिल की मशीन से जब बुआई करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी को 6 इंच से लेकर 8 इंच के बीच में रखते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी बुआई करते हैं। तो इससे आप लोगों को बेनिफिट ये होता है कि प्रति एकड़ जहां आप लोग छींटा विधि से बीज 45 से 50 किलो तक खेत में डालते हैं, वहां पर इस मशीन से लगाने के बाद आपको मात्र 35 से 40 किलो तक का ही बीज खपत होता है। तो इस तरह से आप 10 से 12 किलो तक बीज का बचत कर सकते हैं एवं प्रति एकड़ जब आप लोग DAP 50 से 55 किलो तक छींटा विधि में डालते हैं तो यहाँ आपको मात्र 40 से 45 किलो के बीच में हो जाता है। तो इस तरह से आप खाद का भी 10 से 15 किलो तक बचत कर लेंगे। तो इससे हम लोगों के खेत पर रासायनिक प्रभाव का भी कमी देखने को मिलता है। तो इस तरह से खेती करने के बाद आप लोग ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं एवं बीज एवं खाद का बचत भी कर सकते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे गेहूँ में लगने वाले रोग एवं गेहूँ में किस किस समय में पानी डालना चाहिए और कितनी मात्रा में यूरिया डालना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।